हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट स्टडी। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को तो डू सब्सक्राइब इट एंड साथ ही साथ डू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। दिस इज़ अ फेसबुक पेज। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है तो आप हमको इनबॉक्स कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। ओके, तो ये है लेक्चर 12th और ये बेस्ड है कश्मीर की हिस्ट्री पर। हम बेसिकली हम कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसको तीन भाग में डिवाइड करेंगे। ये पार्ट वन है उसका। बेसिकली इंटरनेट के क्राइसिस चल रहे थे, आपको पता है इंटरनेट अवेलेबल नहीं था थोड़ा, तो इस वजह से मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। लेकिन अब जो हमारा सिलेबस थोड़ा पीछे हो चुका हुआ है उसको हम जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। रोज़ की एक वीडियो आएगी आपके लिए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा समझिएगा इस वीडियो को। तो चलिए अब शुरू करते हैं जल्दी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिस्ट्री को हमेशा तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, एंशियंट में, मिडीवल में और मॉडर्न में। ठीक है, इस वीडियो में भी हम यही करेंगे। कश्मीर की हिस्ट्री को तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। एंशियंट में हमारे पास तीन डायनेस्टीज हैं, मिडीवल में आठ हैं और मॉडर्न में हम डोगरा डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे और 1947 के आगे क्या क्या हुआ है वो पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री है, फिर मिडीवियल है, फिर एंशियंट है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, देन मिडीवियल एंड देन एंशियंट। ठीक है, क्वेश्चन आपको किस टाइप के बन सकते हैं मैं ये भी बता देता हूँ। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा एंशियंट और मिडीवियल से आपसे पूछे जा सकते हैं कि फाउंडर कौन था इन डायनेस्टीज़ का, कश्मीर में फाउंडर कौन था पर्टिकुलर डायनेस्टीज़ का। इस वीडियो में हम एंशियंट के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कश्मीर की एंशियंट हिस्ट्री बेस्ड है इन तीन डायनेस्टीज के रूल पर, द मौर्यन एम्पायर, द कुषाण एम्पायर एंड द करकोटा एम्पायर। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन तीनों के फाउंडर के बारे में और डेवलपमेंट्स के बारे में जो इनके एम्पायर में हुई थी कश्मीर के अंदर। लेकिन उससे भी पहले हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिसकी किताब की वजह से हम ये समझ पाए हैं कि इन तीन डायनेस्टीज का रूल था कश्मीर के अंदर। उनका नाम है कल्हाना। कल्हाना एक पोइट थे 12th सेंचुरी में। इसके बारे में हम अब बात करेंगे। पहले तो कल्हाना एक कश्मीरी पोइट थे लोहारा डायनेस्टी के अंडर। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था रजत तार अंगिनी। इस किताब में एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बताई गई है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि कल्हाना भारत के पहले इतिहासकार थे। ये किताब इन्होंने संस्कृत में लिखी है और 1148 से लेकर 1149 के बीच में लिखी है। आपके लिए इनका नाम, इनकी किताब का नाम और ये किताब किस लैंग्वेज में लिखी गई है ये याद रखना ज़रूरी है। अगर बात करें इनकी किताब के बारे में, ये किताब शुरू होती है भारत के महान ऋषि से जिनका नाम था कश्यप ऋषि। तो इस किताब में लिखा गया है कि कश्मीर पहले एक लेक हुआ करती थी और आसपास के जो लोग रहते थे वो एक राक्षस से परेशान थे जिसका नाम था जल्लाद बोवा। तो कश्यप ऋषि ने अपनी तपस्या से इस राक्षस का अंत किया और साथ ही साथ वो पानी का सोर्स जिसकी वजह से कश्मीर एक लेक थी उसको बंद कर दिया, जिसकी वजह से कश्मीर में प्लेन सरफेस हुआ और वहाँ लोग बसने शुरू हुए। इस तरह कश्मीर वैली में लोग बसे। तो पहला धर्म जो कश्मीर में बसा वो हिंदुइज्म था। ये क्वेश्चन एक आता है कि पहला धर्म जो कश्मीर वैली में बसा वो कौन सा था, तो हिंदुइज्म पहला धर्म था जो कश्मीर वैली में बसा। अब हम बात करेंगे मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। तो मौर्यन एम्पायर के रूल में कश्मीर में शिव मंदिरों का निर्माण हुआ, बुद्धिज़्म की स्थापना हुई। तो इससे पता चलता है कि कश्मीर में जो दूसरा धर्म आया वो बुद्धिज़्म था। कश्मीर में वो मौर्यन एम्पायर जिन्होंने रूल किया वो थे महान राजा अशोका। ये कश्मीर का सुनहरा काल था, शांति और समृद्धि का वक्त था। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बेसिकली बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि बुद्धिज़्म सबसे पहले किस एम्पायर के रूल में कश्मीर में आया था, और दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ बनता है कि मौर्यन डायनेस्टी के किस रूलर ने कश्मीर पर राज किया था। अगला है हमारे पास कुषाण एम्पायर। तो कुषाण एम्पायर के रूल में कश्मीर में तीन शहरों का निर्माण हुआ जिनका नाम था हुशकापुरा, जुशकापुरा एंड कनिष्कापुरा। ये तीनों शहर का निर्माण तीन राजाओं द्वारा किया गया था जिनका नाम था हुशका,
जुष्का एंड कनिष्का। कनिष्का इनमें से सबसे बड़े और सबसे महान लीडर थे, बल्कि यही वो थे जिन्होंने कश्मीर को कॉन्कर किया था और कुशान अम्पायर को एस्टैब्लिश किया था। कुशान अम्पायर के अंडर बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण हुआ था और बुद्धिज़्म ने अपनी फुल स्ट्रेंथ अचीव की थी कश्मीर वैली में। तो बेसिकली कल्हाना ने अपनी किताब में जो अगला अम्पायर मेंशन किया है वो है करकोटा अम्पायर। तो करकोटा अम्पायर के फाउंडर थे दुर्लभ वरदान। इस डायनेस्टी के अंडर कश्मीर ने अपना सबसे बड़ा और सबसे महान लीडर देखा जिसका नाम था ललित आदित्य। ललित आदित्य ने तिब्बत, कनौज, लद्दाख, ईरान, बिहार, कलिंगा, साउथ इंडिया, गुजरात, मालवा, सिंध, इन सब जगहों को कॉन्कर किया। ललित आदित्य की कैपिटल का नाम था परिहासपुर, जो कि खीर भवानी मंदिर के पास थी। खीर भवानी मंदिर कश्मीर में है, ठीक है। माना जाता है कि 856 में करकोटा रूल एंड हो चुका था और यहाँ से शुरुआत होती है मिडिवल हिस्ट्री की। तो 856 तक एंशियंट हिस्ट्री चली है, उसके आगे जो हिस्ट्री है वो मिडिवल हिस्ट्री है, जो कि शुरू होती है उत्पाला डायनेस्टी के अंडर में। तो इस वीडियो में हमने एंशियंट हिस्ट्री कवर कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिडिवल और उसके नेक्स्ट पार्ट 3 जो आएगा उसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आया है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।